अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रिवाड़ी शहर के एक मोहल्ला से एक महिला को अपने जाल में फंसा कर दिल्ली में देह व्यापार में धकेलने के मामले में शहर थाना पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार की गई महिला की पहचान दिल्ली इंद्रलोक निवासी राखी दान के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार शहर के एक मोहल्ला से 12 जून को अचानक एक महिला लापता हो गई। परिजनों ने अपने स्तर पर तलाश करने के बाद शहर थाना पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 11 जुलाई को महिला ने अपने परिजनों से संपर्क किया तथा चिड़ावा में एक महिला के चुंगुल में होने की बात की जानकारी दी। परिजन 12 जुलाई को महिला को वापस ले आए तथा पुलिस को सूचना दी। महिला ने पुलिस को बताया कि एक महिला ने उसे अपने बातों में फंसाकर दिल्ली बुला लिया तथा उसे होटल में देह व्यापार के लिए भेजना शुरू कर दिया। किसी को बताने पर उसने जान से मारने की धमकी भी दी जाती थी। पीड़िता ने बताया कि आरोपी महिला से उसकी मुलाकात सफर के दौरान एक बस में हुई थी तथा उस वक्त महिला ने उसके मोबाइल नंबर ले लिए थे। इसके बाद दोनों के बीच कई बार बातचीत भी होती रही। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल बयान दर्ज करने के बाद शुक्रवार की शाम आरोपी महिला राखी दान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को शनिवार को अदालत में पेश किया जहां से उसे 2 दिन के रिमांड पर ले लिया गया। रिमांड के दौरान आरोपी महिला से गहनता से पूछताछ की जाएगी। सिमरन नाम की लड़की थी, आनंद नगर की। पहले हमारे पास तो ये कहीं एक लेडीज है, पहले ये अपने ससुराल से आ रही थी लड़की, तो रास्ते में एक बस में बैठी हुई रखी थी नाम की लेडीज, उससे बातचीत करने लगी। उससे उसने उसके मोबाइल ले लिए। मोबाइल ले करके ये लड़की अपने घर आ गई रेवाड़ी और वो लेडी चली गई रखी थी। उसने मोबाइल से नंबर लेने के बाद में उसने उससे संपर्क किया और तभी उसने उसको बुला करके और दिल्ली ले गई और राजस्थान में ले गई। तो इसने ये बताया कि मेरे साथ काम किया करवाया इसने। सर अब क्या कार्रवाई चल रही है? राखी दान को हमने अरेस्ट कर लिया है, 2 दिन का रिमांड है, अभी तफ्तीश जारी है। जहाँ जहाँ भी किसने गलत काम कराया है या किसी से कराया है उसके बारे में तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। रिवाड़ी से दिनेश चौहान की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।